Lesson 4, Managing Companies. Introduction to Busy और Basics of Accounting and Taxation देखने के बाद हमने जाना कि Busy के कौन कौन से मॉडल्स मार्केट में हैं और Busy की लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो Busy यूज़ करने के लिए होगा कि हमने Busy इंस्टॉल किया और अब Busy रेडी है वर्क करने के लिए। Busy में काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर की फर्दर आप सारा काम अपनी कंपनी का कर पाएंगे, सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह एंटर कर पाएंगे। कंपनी क्रिएट करने के अलावा कंपनी एडिट करना या इन केस आपको रिक्वायरमेंट है तो कंपनी डिलीट करना, बैकअप लेना कंपनी का या रिस्टोर करना उस डेटा को, इस सब के बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले आप बिजी आइकन को क्लिक करेंगे बिजी एप्लीकेशन रन करने के लिए। बिजी एप्लीकेशन ओपन होते ही देखिए एक मैसेज बॉक्स आया कि अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस हैज बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूजर मोड बेसिक एडिशन। यह मैसेज इसलिए आया क्योंकि सिक्योरिटी जो है डोंगल या सॉफ्ट लॉक फाइल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे रीड हुई है और वहीं से बिजी ने रीड किया है कि कौन से एडिशन में और कौन से मोड में बिजी जो है रन होगा। डेमो मोड में बिजी रन नहीं होगा क्योंकि उसको एक वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस मिला है। इसके बाद सबसे पहले हम कंपनी मेन्यू में जाएंगे। बेसिकली अभी तो कंपनी मेन्यू ही एक्टिवेटेड है, बाकी सारे मेन्यूज डीएक्टिवेटेड है। ऐसा इसलिए कि अभी कोई कंपनी जो है आप जब क्रिएट करेंगे और ओपन करेंगे उसके बाद ही सारे मेन्यूज एक्टिवेटेड होंगे। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे, कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी का प्रिंट नेम बताएंगे। नाम और प्रिंट नेम में यह फ़र्क है कि प्रिंट नेम जो है आपका एक्सटर्नल रिपोर्ट्स पे प्रिंट होगा। दो कंपनीज का सेम प्रिंट नेम हो सकता है लेकिन सेम नेम नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि यदि आप अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग कंपनी बनाते हैं, जैसे स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स 2016-17, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स 2017-18, तो आप नहीं चाहेंगे कि ये नाम रिपोर्ट्स पे प्रिंट हो। इसके लिए आप प्रिंट नेम में स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स ही बताएंगे और कंपनीज जो है अलग अलग नाम से बनाएंगे। इसके बाद कंट्री और स्टेट स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप बताएंगे कि किस ईयर में आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है। जनरली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टिल 31 मार्च, कुछ कंट्रीज में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो इन केस ऑफ इंडिया हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम जनरली 1 अप्रैल ही लेंगे। नेक्स्ट है आपका बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम कि कब से आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो स्टार्ट हुई है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम हमेशा ही आपका बिगनिंग जो डेट है वो होगी, चाहे वो 1 अप्रैल 1 जनवरी। बुक्स आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं, 1 जून हो सकता है या एनी डेट। इसके बाद आप कंपनी का एड्रेस बताएंगे, यहाँ पे 4 लाइंस प्रोवाइड करी गई हैं कंपनी का एड्रेस बताने के लिए। कंपनी का ITIN, वार्ड, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस जिस पे आप चाहते हैं कि कंपनी की ईमेल्स जो है आए आपको। नेक्स्ट आप करेंसी से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, करेंसी सिंबल, स्ट्रिंग, करेंसी सबस्ट्रिंग जैसे रुपीस और सबस्ट्रिंग हो गया पैसा। ऐसे ही आप बताएंगे कि करेंसी को प्रिंट करने के लिए, सिंबल प्रिंट करने के लिए कौन से फॉन्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अभी हमारा रुपीस का जो सिंबल है वह प्रिंट करने के लिए हम रुपी फॉरिजियन जो है फॉन्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद आप वैट GST इंफॉर्मेशन ग्रुप में टैक्स टाइप सेलेक्ट करेंगे वैट या GST। करेंटली अभी ज़्यादातर यूजर्स वैट ही यूज़ कर रहे हैं। जब GST का इम्प्लीमेंटेशन होगा तब आप न्यू कंपनी यदि क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे टैक्स टाइप GST सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने वैट सिलेक्ट किया है तो आप 10 नंबर एंटर करेंगे और यदि आपने GST सिलेक्ट किया है तो आप GSTI नंबर एंटर करेंगे। इन केस ऑफ वैट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 10 नंबर इशू होता है और GST के केस में आपको GSTI नंबर इशू होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे कंपनी को सेव करने के लिए। कंपनी सेव करते ही देखिए कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज़र मैसेज बॉक्स आया। यदि आप फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो ये मैसेज नहीं आएगा। यह मैसेज इसलिए आया कि आप किसी एग्जिस्टिंग डेटा जो है मास्टर से या यूज़र से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कंपनीज पहले से क्रिएट करके रखी हुई थी इसलिए ये मैसेज बॉक्स आया। यदि आप कुछ भी कॉपी नहीं करना चाहते तो डोंट कॉपी एनीथिंग बटन क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए हेल्पफुल है कि यदि आप
जैसे हमने डिस्कस किया, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कंपनी बनाते हैं, तो आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से अपने मास्टर्स और यूज़र्स कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होते ही सबसे पहले सुपर यूज़र नेम की एक विंडो आई, जिसमें आपकी सुपर यूज़र नेम बताएंगे। सुपर यूज़र इज़ लाइक एन एडमिन इन द कंपनी हु हैज़ ऑल द राइट्स एंड अथॉरिटीज़ इन द कंपनी। सुपर यूज़र के पास कंपनी में काम करने के सारे राइट्स होते हैं और वो फर्दर सब यूज़र्स क्रिएट कर सकता है और उन्हें राइट्स दे सकता है कि किन किन ऑप्शंस पे वे सब यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अगेन, सब यूज़र का कंसेप्ट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हमारे कुछ चैप्टर्स हैं आगे, उसमें हम सब यूज़र्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में केवल हम सुपर यूज़र का कंसेप्ट ही जानेंगे। यहाँ पे आप सुपर यूज़र का नाम बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे, रीटाइप करेंगे उस पासवर्ड को। अब ये सुपर यूज़र जो है क्रिएट हो जाएगा और जब भी आप इस कंपनी में लॉगिन करेंगे तो आपको यही सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड बताना होगा। वैलिड सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड बताने पे ही आप कंपनी में लॉगिन कर पाएंगे। कंपनी क्रिएट होते ही देखिए, सबसे पहले एक फीचर्स ऑप्शंस विंडो आएगी, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स या ऑप्शन एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगेन, फीचर्स ऑप्शंस हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम केवल मैनेजिंग कंपनीज के बारे में ही जानेंगे। इसके बाद है आपकी क्लोज कंपनी ऑप्शन। आप क्लोज कंपनी ऑप्शन यूज़ करके कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी ऑप्शन जो है वो आपको एक ही बार नीड होगी। जब आपने कंपनी क्रिएट कर ली तो उसके बाद बेसिकली आप उस कंपनी में ही काम करेंगे। यदि आपकी अलग अलग कंपनीज हैं या सब्सिडरीज हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिट कंपनी ऑप्शन। यदि कंपनी क्रिएशन के टाइम कोई आपसे गलत डेटा इंटर हो गया है या कंपनी के एड्रेस या टेलीफोन नंबर से जुड़ी कोई डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप एडिट कंपनी ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं। अब हमने कंपनी को क्लोज किया, नेक्स्ट हम ओपन करेंगे कंपनी को। देखिए, कंपनी ओपन करने के लिए सबसे पहले उसने सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा। यहाँ पे वही सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड हम बताएंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है और ये कंपनी ओपन हो गई। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले, सभी मेन्यू जो हैं आपके एक्टिवेट हो गए कंपनी ओपन होने पे और अब आप इनमें कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है बैकअप डेटा की। बैकअप डेटा ऑप्शन आप यूज़ करके आप अपने कंपनी के डेटा की एक कॉपी जनरेट कर सकते हैं, ताकि इन केस कभी भी आपका जो डेटा करप्ट हो तो आप वो कॉपी यूज़ करके आप फर्दर काम कर सकें, आपका डेटा जो है खराब ना हो। टिल एक डेट जब तक आपने बैकअप लिया हुआ है उसकी कॉपी आप वापस रिस्टोर कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप डेटा ऑप्शन के अंदर आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे, पाथ बताएंगे जहाँ पे कि आपको डेटा का बैकअप लेना है और उस पाथ पे इस कंपनी के डेटा की एक कॉपी जो है सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है रिस्टोर डेटा की। रीस्टोर डेटा ऑप्शन यूज़ करके आप कंपनी का डेटा रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाथ बताएंगे जहाँ से कंपनी का डेटा रीस्टोर करना है। देखिए, इसके बाद बिजी ने आपसे पूछा कि एक ऑलरेडी कॉपी जो है इस कंपनी की जो आप रीस्टोर कर रहे हैं वहाँ पे डेटा पड़ा है, तो आप उसे ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप ओवरराइट करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है आपका वो कॉपी से ओवरराइट हो जाएगा। यदि आप ओवरराइट नहीं करते हैं तो एक नई कंपनी जिसमें कि करंट डेट अपेंड हो जाएगी वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है डिलीट कंपनी ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल ईयर की। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बेहद सोच समझ के यूज़ करिएगा, क्योंकि एक बार यदि आपने कंपनी डिलीट कर दी तो वो आप रिस्टोर नहीं कर सकते। सबसे पहले उसने सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा, इसके बाद पूछा कि कंप्लीट कंपनी डिलीट करनी है या कोई सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगेन, फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट हमारे बाद के चैप्टर्स में है। हमने कंप्लीट कंपनी ऑप्शन यूज़ किया और पूरी कंपनी से डिलीट आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है सेट डेटा डायरेक्टरी की। सेट डेटा डायरेक्टरी ऑप्शन यूज़ करके आप पाथ बता सकते हैं जहाँ पे कि आप कंपनी का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है वो वहाँ होता है जहाँ आपने बिजी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है। जब हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करते हैं तो वह सी बिजी विन में एक डेटा नाम का फोल्डर होता है, उसमें क्रिएट हो जाती है। आप चाहें तो इस ऑप्शन को यूज़ करके डेटा फोल्डर अलॉन्ग विद पाथ बता सकते हैं और फर्दर वहाँ पे कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हेल्प वीडियोज़ का।
हेल्प वीडियोस ऑप्शन यूज़ करके आप हमारे बिजी के जितने भी वीडियोस बने हुए हैं, चाहे वो फीचर्स रिलेटेड हैं या ट्रेनिंग वीडियोस हैं, वो डायरेक्टली यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके लिए आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा और यहाँ पर आप हमारे वीडियोज़ व्यू कर सकते हैं। यह वीडियोज़ आपकी हेल्प के लिए ही क्रिएट किए गए हैं। इसके बाद हम एग्जिट बिजी ऑप्शन करेंगे बिजी को एग्जिट करने के लिए। आप एग्जिट तभी कर सकते हैं जब आपने कंपनी को क्लोज किया हो। जब तक आपकी कंपनी कोई ओपन है तो आप बिजी से एग्जिट नहीं कर सकते। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली कंपनी क्रिएट करना, एडिट करना, बैकअप लेना डेटा का या रिस्टोर करना डेटा को, इन सब ऑप्शंस को समझ पाए होंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर दोबारा व्यू करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।